नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन जो थ्योरी था उसको स्टडी किए थे। यदि आप यूपीएससी के सिलेबस फॉलो कर रहे होंगे तो मॉडल एंड थ्योरी में अगला जो टॉपिक आता है वेबर थ्योरी के बाद, वो आता है रोस्टो का स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो रोस्टो का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्टेजेज हैं उसको यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रोस्टो जो थे वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 1960s में जो दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उसका ग्रोथ का पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया। ठीक है, इन्हीं मॉडल को बोलते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ, रोस्टो का स्टेज ऑफ ग्रोथ। इन्होंने 5 स्टेजेज बताए हैं किसी भी कंट्रीज के जो ग्रोथ का पैटर्न है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो 5 स्टेजेज क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी फर्स्ट चरण या फर्स्ट स्टेज में किसी भी कंट्रीज क्या होती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। फिर दूसरा स्टेज आता है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। फिर तीसरा जो स्टेज आता है टेक ऑफ स्टेज। फिर चौथा द ड्राइव टू मैच्योरिटी। और फिर पांचवा जो स्टेज होता है द एज ऑफ मास कंजप्शन। तो ये जो 5 स्टेजेज उन्होंने बताए हैं ये क्या हैं, सीक्वेंशियल ग्रोथ पैटर्न इन्होंने रोस्टो के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई भी कंट्रीज होती है तो सीक्वेंशियल ग्रोथ पैटर्न होता है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि ये स्टेजेज एक सीक्वेंस में आएगी, सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, उसके बाद प्री कंडीशन टू टेक ऑफ होगी। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी टू ड्राइव टू मैच्योरिटी कोई कंट्री चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो रोस्टो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है किसी भी कंट्रीज में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होती है, वो 5 चरण में होती है। वो 5 चरण क्या क्या है, ये 5 चरण है, 5 स्टेज है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज, टेक ऑफ स्टेज और ड्राइव टू मैच्योरिटी और एज ऑफ मास कंजप्शन। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी, आपको नाम से पता हो ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी सोसाइटी जो है ट्रेडिशनल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर जनरली हो रही है वो भी एग्रीकल्चर जो हो रही है वो पुराने जो जो टूल्स होते हैं, जैसे मान लो हल हो गया, ठीक है, और हाथ से खेती करना, ये सब क्या है पुराने टूल या सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। और 75% वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड। 75% आप नहीं बोल सकते, 90% से भी ज़्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड में होती है। और जो बच्चे होते हैं वो हंटिंग या गैदरिंग या अपने फैमिली को संभालने में लगे होते हैं। यानी सारा ही मान लो 100% जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर फील्ड में होती है। मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं होती है। और यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, यानी कि स्टार्ट हुआ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और पॉलिटिकल पावर आप देखोगे लैंडलॉर्ड के हैंड में होता है। यहाँ पर कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप करेक्टरिस्टिक को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी कोई ऐसा कंट्रीज नाम का नई चीज़ होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। वहाँ पे लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके कंट्रोल में होता है, वहाँ के जो एरिया होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं। और कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, साइंस या टेक्नोलॉजी का या बोल सकते नए टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान नहीं होता है। फिर इलिटरेसी आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होती है, एक आधी दो बंदे होते हैं जो लिटरेट होते हैं, पढ़ लिख पाते हैं, इतनी ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। फिर लैकिंग ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हॉस्पिटल्स की कमी होती है, कमी या ना ही बराबर होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। अभी आप देखते होंगे तो आपको अफगानिस्तान का नजर आता होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर नेशंस का कॉन्सेप्ट अभी लैकिंग है, क्योंकि तालिबान के हाथ में भी है कुछ पावर और कुछ जो डेमोक्रेटिक हैं उनके भी पावर है। तो आप देख सकते हो ट्रेडिशनल सोसाइटी थोड़ा सा आपको मिलता जुलता मिलेगा अफगानिस्तान में, आप कंप्लीट नहीं बोल सकते ट्रेडिशनल सोसाइटी है, लेकिन आपको मिलता जुलता मिलेगा। सहारन अफ्रीकन जो सहारा का रीजन है, जो 11 जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन के जो सहारा के रीजन से सराउंडेड है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ट्रेडिशनल सोसाइटी। आप बोल सकते हो इंडिया में जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय आप जैसे 1780s का जो पीरियड था वो बोल सकते हो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर आप देखते हो लार्ज पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में होती थी। और वहाँ पे नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे इंडिया का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि इंडिया एक नेशन है। लैंडलॉर्ड होते थे वहाँ पे कर वसूली करने के लिए या अंग्रेज होते थे। तो आप बोल सकते हो कॉलोनियल पीरियड में इंडिया ट्रेडिशनल सोसाइटी के टाइम पे था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। दूसरा स्टेज होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी के बाद, दूसरा स्टेज आता है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ।
ये बोल सकते हो इंडिया का जो पीरियड था 1950s के दौरान हुआ था। इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चर होती है वो मैकेनाइज हो जाती है, यानी कि सब्सिस्टेंस जो खेती होती थी वो बोल सकते हो कैश क्रॉप ज़्यादा उगाए जाते हैं और मशीनों का ज़्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में, यानी मशीनीकरण हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर जो है एडवांस हो जाती है, और एग्रीकल्चर एडवांस इसलिए होती है क्योंकि जो आउटर इकोनॉमी होती है, जैसे फॉरेन से जो एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल का डिमांड ज़्यादा आता है, तो ऐसे कैश क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते हैं उस प्री कंडीशन टू टेक ऑफ में, और यहाँ सेविंग बढ़ने लगती है। ठीक है, यहाँ प्री कंडीशन टेक ऑफ में सेविंग बढ़ने लगे क्योंकि एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल का, जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप का, तो सेविंग बढ़ेगी तो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कंडीशन टेक ऑफ में, क्योंकि सेविंग हो जाती है, सेविंग होने से इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने लगते हैं। कुछ पॉपुलेशन या 10% पॉपुलेशन आप बोल सकते हो इसमें क्या होती है, इंडस्ट्रीज में काम करने लगती है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल स्कूल ये भी बनने लगते हैं। तो ये रहा प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, दूसरा स्टेज होती है। फिर तीसरा स्टेज में टेक ऑफ स्टेज होती है। टेक ऑफ स्टेज में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाता है, या बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती है वो लग जाती है, जैसे कॉटन की, टेक्सटाइल की या स्टील की, ये सारी इंडस्ट्री लग जाती है प्री कंडीशन टेक ऑफ में। और ये बोल सकते हो कि तब स्टार्ट होती है जब इंडिविजुअल जो होते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो एंटरप्रेन्योर बनने लगते हैं, इंडस्ट्रियल अपने इंडस्ट्री बनाने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में टेक ऑफ पीरियड होता है। इसमें मैसिव प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेंगे सारे फील्ड में, इकोनॉमिक में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल में, यानी सब में चेंज होने लगते हैं, सब में एडवांसमेंट आने लगता है। फिर न्यू इनोवेशन होता है प्रोडक्शन मेथड में भी, और सेल्फ सस्टेन हो जाता है बेसिक गुड्स, जैसे बेसिक गुड्स में के उत्पादन में सेल्फ सस्टेन हो जाता है कंट्रीज। यहाँ पर नेशन का कॉन्सेप्ट तो दूसरे चरण में ही आ जाता है। तो 1960s में आप देख सकते हो टेक ऑफ पीरियड था इंडिया का। इसमें आप देख सकते हो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए थे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनी लगाए गए थे, स्टील का, एल्युमिनियम का प्लांट लगाया गया था। तो ये यहाँ था टेक ऑफ स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ड्यूल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी आता है टेक ऑफ पीरियड में। इसमें एग्रीकल्चर एडवांस हो जाती है और इंडस्ट्री इकोनॉमी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो ड्यूअल इकोनॉमी यहाँ पे होता है टेक ऑफ पीरियड में। अब देखिए ड्राइव टू मैच्योरिटी, नाम से पता है ड्राइव टू मैच्योरिटी। इसमें क्या होती है कि जो इकोनॉमिक होती है एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर ही हो रहा है या इंडस्ट्रीज हो रहा है या सर्विस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, यानी सब कुछ होने लगता है ड्राइव टू मैच्योरिटी में। और स्पेशलिस्ट इसमें बढ़ने लगते हैं, ग्रेटर प्रोफेशनल मैनेजमेंट में आने लगते हैं, और पॉल्यूशन का भी प्रिवलेंट यानी बढ़ने लगता है, पॉल्यूशन बढ़ने लगती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होने लगता है जीडीपी में। अभी भी हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है ज़्यादा रहता है, लेकिन सर्विस सेक्टर का जीडीपी में इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, 8% आप देखोगे इंडिया और चाइना क्या है ड्राइव टू मैच्योरिटी का एक एग्जांपल है। 1950s में ही ब्रिटेन ने और यूएसए 1900 के आसपास ड्राइव टू मैच्योरिटी में आ गया था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज का शेयर जो जीडीपी में ज़्यादा था। फिर देखो पांचवा स्टेज होता है एज ऑफ मास कंजप्शन। रोस्टो बोलते हैं एज ऑफ मास कंजप्शन में क्या होती है कि नेशनल जो पॉलिसी होती है इन्फ्लुएंस करती है, अपना नेशनल बाउंड्री के अलावा भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे मान लो यदि यूएसए में बैंक रेट में यदि चेंज होता है तो पूरे वर्ल्ड के जीडीपी पे इकोनॉमिक पे प्रॉब्लम इफेक्ट करता है। तो उस समय क्या होती है नेशनल जो पॉलिसी होती है इन्फ्लुएंस करती है बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री मास कंजप्शन के स्टेज में। और मेजर शेयर होती है वर्ल्ड ट्रेड में, मेजर शेयर होती है आप देख सकते हो यूएसए और चाइना का भी देख सकते हो कि अभी मेजर शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि जो चौथे चरण होती है उसमें पॉल्यूशन इंक्रीज होने लगता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। और वेलफेयर स्टेट होती है और हाई लेवल पर कैपिटा इनकम होती है और हाई कंजप्शन पर कैपिटा भी होती है, और इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इन माइग्रेशन होती है हाई माई इसमें मास कंजप्शन में। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्री का सारा जो एग्जांपल्स है इसमें आ जाता है हाई मास कंजप्शन में। तो रोस्टो क्या बोलते हैं 5 स्टेजेज होती है और किसी भी कंट्रीज की ग्रोथ एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, एरा रोस्टो का। अब इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म आप देखोगे तो जनरली रोस्टो क्या बोलते हैं फर्स्ट स्टेज में ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, वहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो 100% के
जो पॉपुलेशन होती है लगभग में एग्रीकल्चर में होती है, लेकिन आप कनाडा और यूएसए का डेवलपमेंट या ग्रोथ देखोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं लगता ट्रेडिशनल सोसाइटी कभी वहाँ पे हुई होगी। क्यों? क्योंकि कनाडा और यूएसए में जो बंदे थे, जो डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ था वहाँ पे जो बंदे थे वो यूरोप से आए थे। उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चलते सबसे पहले ही वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग हो गया था और नेशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया था यूएसए और कनाडा में। तो आप देख सकते हो वहाँ पे यूएसए कनाडा में जो फर्स्ट स्टेज वहाँ पे न गुजरे, तो ये है वो क्रिटिसिज्म। और इंडिया में भी देख सकते हो, इंडिया ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी से फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी गया फिर सर्विस इकोनॉमी गया, इंडिया तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। तो ये इसको आप बोल सकते हो कि ये क्रिटिसिज्म है। फिर देखो इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्टर को नेग्लेक्ट किया और रिलीजियस फैक्टर को नेग्लेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि सारे कंट्रीज़ को एक पैमाने पर तोला, यानी सारे कंट्रीज़ जो होंगे वो फाइव स्टेज में गुजरेंगे। इन्होंने जो किसी कंट्री जैसे इज़राइल हो गया, तो इज़राइल की जो हिस्टोरिकल या रिलीजियस फैक्टर हैं डेवलपमेंट के लिए उनको इग्नोर किया, ठीक है। तो ये सब इनको क्रिटिसिज्म आप बोल सकते हो कि सारे कंट्री सारे सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं जाते हैं, उसके कुछ हिस्टोरिकल या रिलीजियस फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे मान लो चाइना हो गया या रसिया हो गया, इन्हों क्या कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री तो वहाँ पे जो सोशल फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री है तो वहाँ पे जो सोसाइटी है या रिलीजियस जो फैक्टर है वो भी एक फैक्टर है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने अपने ग्रोथ मॉडल में हिस्टोरिकल रिलीजियस फैक्टर को इग्नोर किया है। तो रहा क्रिटिसिज्म, तो ये रहा रोस्टो का डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ जो फाइव स्टेज हम लोग डिस्कस कर लिए। और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप कमेंट में अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस मॉडल में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।